हेलो नमस्कार जी, आप सभी का यूट्यूब चैनल एजुकेशन नॉलेज टीवी पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। कैसे आप सभी? जी हाँ, 9 दिसंबर 2023 से मोदी सरकार नो गारंटी लागू करने वाली है। भाई मोदी सरकार ने बहुत ही ज़बरदस्त फैसला लिया है। बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जो कि आपको बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, ये भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वह 81 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवार किस प्रकार अब अमीरी की तरफ बढ़ेंगे, यानी कि उन परिवारों को किस प्रकार से फ़ायदा मोदी सरकार दे रही है, ये भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ बिजली, LPG, गैस सिलेंडर, पेट्रोल, चीनी, तेल व महिलाओं को किस प्रकार बैंक अकाउंटों में पैसे जो है वो मोदी सरकार ट्रांसफ़र कर रही है, ये भी आपको बताएंगे। वहीं आप सभी को एक जानकारी और दे दें, जो 10वीं और 12वीं कक्षा में अभी इस बार पढ़ाई कर रही हैं, 2024 में मार्च में एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी को किस प्रकार से एक टैबलेट और 50,000 रुपये मिलेंगे, ये भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। वहीं अगर आपके घर में बिटिया है, उसकी उम्र 18 साल से ज़्यादा हो चुकी है, तो उसको किस प्रकार 71,000 रुपये मोदी सरकार दे रही है, ये भी आपको बताएंगे इसी वीडियो के माध्यम से। वहीं हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से एक यूट्यूब सब्सक्राइबर को, जी हाँ आप सभी को मैं बता दूं, एक सब्सक्राइबर को एक स्मार्टफोन उपलब्ध करवाया जा रहा है, वो आप किस प्रकार ले पाएंगे, ये भी आपको इसी वीडियो के माध्यम से बताएंगे। सभी जानकारी आप अंत तक देखें वीडियो को, आपको सभी जानकारी इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगी। अपने गांव का नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम ज़रूर कमेंट करें, कहां से वीडियो देख रहे हैं, ताकि आपकी गाँव, शहर, राज्य से जुड़ी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। आप सभी को मैं सबसे बड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं, मोदी सरकार ने तकरीबन 81 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को अब समृद्ध बनाने के लिए, कुछ अमीर बनाने के लिए कुछ योजना, कुछ गारंटियां लागू करने का फैसला लिया है। जी हां, विधानसभा चुनाव चले हुए थे, कुछ आप सभी जानते हैं 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे और 3 राज्यों में BJP की बम्पर जीत के साथ सरकारें बनी हैं, यानी कि मोदी सरकार ने जो गारंटियाँ जनता को दी थी, गरीब परिवारों को दी थी, उसे लागू करने का जो समय है वो आ चुका है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 साल के लिए और आगे बढ़ा दिया है, ये आप सभी जानते हैं। और सभी मैं आपको बता दूं, बहुत से ऐसे राज्य थे जहां पर प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत आपको बहुत से ऐसे राशन थे जो उपलब्ध नहीं करवाए जा रहे थे, अब आपको वे जो राशन है वे भी इसी माह से उपलब्ध करवाए जाएंगे 9 दिसंबर से ही। जी हाँ, उसमें कौन कौन से राशन है, जिसमें आपको बाजरा, चने की दाल व मक्का जो है वो आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, यानी कि भाई सरकार का लक्ष्य है कि मोटा जो अनाज है वो सर्दियों में गरीब परिवारों को दिया जाए। भाई उसके साथ साथ मैं आपको बता दूँ, अगली जो बड़ी खबर आ रही है ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण है, प्रत्येक 81 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को इसका फ़ायदा मिलने वाला है। जी हाँ, आप सभी को मैं बता दूं, अगर आपके पास BPL राशन कार्ड है और आपके घर में बिजली लगी हुई है, ध्यान दीजिएगा, आपके घर में बिजली लगी हुई है, अगर आपके घर में बिजली नहीं लगी हुई है तो भी आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर आपके घर में बिजली लगी हुई है, आप बिजली के ज़्यादा बिल आने की वजह से ज़्यादा परेशान रहते थे, बिल जो थे वो भर नहीं पाते थे, सरकार ने फैसला लिया है कि तकरीबन हम 2 से 3 रुपये यूनिट के हिसाब से ही आपका बिल आएगा। वहीं बहुत से राज्यों में आपका बिजली का बिल 100 यूनिट तक माफ़ करने की तैयारी भी अब मोदी सरकार कर रही है। वहीं जिन परिवारों के कनेक्शन कट चुके थे, उनके कनेक्शन जो है वो 24 घंटे में उनके कनेक्शन जोड़ दिए जाएंगे। वहीं बहुत से परिवारों के बिजली के जो बिल है वो भी माफ़ कर दिए गए हैं, तकरीबन 50% बिजली के जो बिल है वो माफ़ किए गए हैं। इस पर जल्द वीडियो लेके आएंगे भाई, किन किन राज्यों में और किन किन परिवारों के माफ़ किए गए हैं, पूरी लिस्ट आपको दिखाएंगे भाई। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है, प्रत्येक परिवार को जानना जरूरी है। अगर आपके परिवार में 10वीं और 12वीं कक्षा का स्टूडेंट है, अभी इसी साल पढ़ाई कर रहा है और भाई BPL राशन कार्ड आपका बना हुआ है, तो आपको इस बार अगर वह स्टूडेंट 60% से ज़्यादा अंक प्राप्त करता है तो 50,000 रुपये की छात्रवृत्ति अब मोदी सरकार उसको देने वाली है। उसके साथ साथ आपको एक टैबलेट या फिर आपको एक लैपटॉप जो है वो भी उपलब्ध करवाया जाएगा, ताकि अपनी अपनी जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से आप कर पाएँ। बहुत से राज्य पहले ही टैबलेट बांट चुके हैं, जैसे हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने पहले ही टैबलेट बांटे थे और इस साल भी टैबलेट बांटने की जो योजना है उसको सिरे चढ़ाया जा रहा है।
अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। जी हाँ, पेट्रोल को लेकर बड़ी खबर आ रही है। प्रत्येक गरीब परिवार से लेकर मिडिल क्लास परिवारों को अब फायदा होने वाला है। पेट्रोल डीजल की समीक्षा चल रही है। तकरीबन 2-3 दिनों से लगातार बैठक पर बैठक चल रही है। बड़ा फैसला लिया जाना है पेट्रोल डीजल पर, क्योंकि वे पेट्रोल और डीजल जो थे वो काफ़ी सारे राज्यों में 100 रुपये से ज़्यादा चल रहे हुए थे भाई उनके दाम, और उनको कम करना अब मोदी सरकार के चुनौती भरा कार्य था। आप सभी को मैं बता दूँ, पेट्रोल डीजल के जो दाम है वो अब बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। तकरीबन 10 रुपये तक आपके डीजल और पेट्रोल पर कम किए जा सकते हैं। और अगर ऐसा होता है तो बहुत सी महंगाई जो है उस पर लगाम लगेगी। बहुत से ऐसे परिवार थे जो कि भाई 2 पहिया वाहन उनके घरों में था, लेकिन पेट्रोल डीजल महंगा होने की वजह से उन 2 पहिया वाहन को भी वे चला नहीं पा रहे थे। अब सस्ता होगा तो भाई वे भी अपने वाहन को चला पाएंगे एक जगह से दूसरे जगह पर जाने के लिए। दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और भाई 2 पहिया वाहन भी उनके पास है तो भाई वो भी अपने वाहनों को अब चला पाएंगे। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे। महिला अगर आप हैं, आपको अब प्रत्येक साल में 18,000 रुपये सरकार देने की तैयारी कर रही है, क्योंकि भाई ये भी एक बड़ी गारंटी थी मोदी सरकार की कि लाडली बहन योजना के तहत प्रत्येक महिला को हर महीने 1500 रुपये, उसके साथ साथ हम बात करें पूरे साल भर में अब महिलाओं को जितना पैसा मिलने वाला है कि तकरीबन 18,000 रुपये आपको हर साल मिलने वाले हैं, यानी कि 1500 रुपये हर महीने के हिसाब से आपको ये जो पैसा है मिलेगा। पहले ये जो स्कीम थी एक राज्य तक ही सीमित थी, अब मोदी सरकार इसे तकरीबन 5 से 10 राज्यों में लागू करने वाली है। जहाँ पर भी मोदी सरकार यानी कि बीजेपी की सरकारें हैं वहाँ पर लाडली बहना योजना जैसी कुछ योजनाओं को लागू करने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है, और इसका सीधा असर महिलाओं पर पड़ेगा, महिलाओं की रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर पड़ेगा, क्योंकि भाई रसोई के खर्चे को लेकर सरकार अब चिंतित थी और महिला भी काफ़ी चिंतित रहती कि भाई रसोई का खर्चा हम किस प्रकार से चलाएंगे, क्योंकि भाई दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार होते हैं, गरीब परिवार होते हैं, और उन परिवारों को अब मोदी सरकार तकरीबन 1500 रुपये हर महीने देने वाली है। अगली बड़ी खबर की बात करेंगे, ये भी बड़ी ही महत्वपूर्ण खबर है, सभी को जानना अति जरूरी है। जो भी गरीब परिवार से हैं भाई और अब कुछ अमीर बनने की फिराक में थे भाई, आप सभी को मैं बता दूं, एकदम से सरकार किसी को अमीर नहीं बनाएंगे, लेकिन ई श्रम कार्ड जिन्होंने भी बनवा रखा है, सरकार की क्रांतिकारी योजना 2021 में लॉन्च की गई थी ई श्रम कार्ड, अगर किसी ने बनवा रखा है तो भाई ई श्रम कार्ड के जरिए मोदी सरकार उसको बड़ा ज़बरदस्त फ़ायदा दे रही है। ई श्रम कार्ड के जरिए मोदी सरकार उसको तकरीबन 1000 रुपये अब हर महीने देने की तैयारी मोदी सरकार कर रही है। अब ये किन किन परिवारों को मिलेंगे इसकी जो लिस्ट है वो जल्द आने वाली है, और 9 दिसंबर के बाद इसके जो फॉर्म हैं वो शायद मोदी सरकार ऑनलाइन करवाए, क्योंकि भाई मोदी सरकार के पास अकाउंट नंबर नहीं है कि ई श्रम कार्ड के जरिए जो पैसे आपको भिजवाने हैं वो अकाउंट नंबर में आपके पैसे जारी होंगे। तो आगे जैसे ही जानकारी आएगी आप तक सबसे पहले पहुंचे, YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो ज़्यादा शेयर करें। वीडियो आप सभी ने यहाँ तक देखी, मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भगवान करे सभी का दिन शुभ रहे।